हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज का वीडियो में मेरा चैनल का नाम है MRSE टेक्नीशियन अफजल आलम के साथ आप देख रहे हैं वीडियो। आज हम जानेंगे कि SVSE का इंटरव्यू हम कैसे निकालें और क्लाइंट के सामने कैसे जाना है। मैं ऑलरेडी गल्फ में हूँ 4 साल से, और इसके पहले इंडिया में भी काम किया, तो मैं कैसे आया इंटरव्यू दे करके वो भी हम आपको पूरा एक्सपीरियंस आज बताएंगे। और लगभग मैंने 10 इंटरव्यू दिए होंगे इंडिया से बाहर आने के लिए, लगभग सब में सेलेक्ट हुआ, लेकिन सैलरी का कुछ में प्रॉब्लम इस तरह से एक्सपीरियंस का, तो वो सब मिला करके फ़िलहाल तो अभी मैं गल्फ में ही हूँ। तो आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आपको क्या क्या क्वेश्चन, ज़्यादा मोस्टली क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो चीज़ आपको मैं बताऊँगा। और आप देखिए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है, और अभी इसको बताने के बाद और मैं क्वेश्चन बताऊंगा। फर्स्ट तो आपको क्या है कि इंटरव्यू देने आप जाएं तो उसके पहले आप अच्छे से नींद पूरा करें। जिस दिन इंटरव्यू, दूसरा दिन इंटरव्यू देने जाना है, तो उसके पहले आप अच्छे से सो लें। क्या है कि आप अच्छे से नहीं सोए रहेंगे, माइंड आपका फ्रेश नहीं रहेगा, तो फिर आप इंटरव्यू अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। और कपड़े जो हैं फॉर्मल अपना पहन कर जाएं, कपड़ा जैसे पैंट शर्ट वगैरह जो है, ऐसा नहीं कि जींस फटा हुआ पहन लिए, टी शर्ट पहन लिए और इंटरव्यू देने चल गए। उसमें क्या है कि क्लाइंट उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि इसका क्या एबिलिटी है, क्या थिंकिंग है, कैसा रहेगा। तो आपको अपने आप को प्रोफेशनल बना करके जाना है। पहले आप जाइए तो रेस्पेक्ट से, जैसे ही आप दरवाजा के अंदर जाइए तो उससे परमिशन लीजिए, बिफोर परमिशन लीजिए जाने से पहले। सेकेंड, आप जाइए तो चेयर के पास जा करके ले करके कुर्सी आप बैठ मत जाइए, आप जाइए वहाँ पे खड़ा रहिए, ऑटोमेटिक वो बोलेगा आपको बैठने के लिए, फिर बैठिए, फिर आप अपना रिज्यूम वगैरह जो देंगे, तो आपका ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन तो आपका रिज्यूम देख करके ही पूछेगा। ठीक है, फर्स्ट आपसे पूछेगा कि आप कहाँ काम किए हैं, क्या काम किए, आपका नाम क्या है, कि हो गया तो आप किस चीज़ का इंटरव्यू देने आए थे SVSE का। ठीक है, तो आप SVSE का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट देखिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है, फुल फॉर्म ऑफ SVSE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको अगर मालूम है तो आप उस चीज़ को बताने का, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आप बोलेगा कि HVAC में आप क्या करते हैं, क्या काम किए हैं, तो आप जो भी काम किए हैं, आप कम किए हैं चाहे ज़्यादा किए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर ऐसा बताना है कि आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। ठीक है, वो चीज़ उसको क्लाइंट को शो होना चाहिए कि बंदा काम किया हुआ है। नहीं तो अगर मान लीजिए आप एक कंप्रेसर चेंज किए हैं और उसको बोलिए कि एक कंप्रेसर चेंज किए हैं, तो वो आपको एक्सेप्टेब नहीं करेगा। उसके सामने बोलना है कि सर हमें याद तो नहीं है, बहुत सारे कंप्रेसर हम चेंज किए हैं, लेकिन बोलेगा कि एक आप मैक्सिमम मिनिमम बताइए कितना चेंज किए हैं, तो बोलेगा कि 50-100 इस तरह से आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपसे वो सामने चेंज नहीं करा रहा है, आप वहाँ से बोलकर इधर आप आ सकते हैं बाहर में। ठीक है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर में वैसा कोई प्रेशराइज नहीं होता है, कंपनी आपको वीज़ा निकाल करके बहुत सारा कुछ प्रोसेस करके अगर आपको बुलाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत डायरेक्ट आपको सेंड कर देगी, भेज देगी, वैसा कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं है। खास करके फर्स्ट फर्स्ट बार जो आते हैं वो ज़्यादा घबराते हैं। तो आप देखिए आगे क्वेश्चन, आप देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन HVAC एंड AC, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो HVAC सिस्टम में क्या है कि हीटिंग का भी ऑप्शन है, वेंटिलेशन का भी ऑप्शन है, एयर कंडीशनिंग तो कूलिंग है ही, और AC में सिर्फ अपना कूलिंग का ऑप्शन है। HVAC में अपना HU में हीटर लगाया जाता है हीटिंग करने के लिए, वेंटिलेशन फ्रेश एयर ऐड किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन मेक दी रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, तो अभी यहाँ पर तो जगह है, बनाता हूँ मैं एक मिनट। तो आपको मेक दी रेफ्रिजरेशन साइकिल बोल रहा है, तो ये हो गया आपका कंप्रेसर, आपको बना देना है ऐसे, बस देखो भाई इसको, कंप्रेसर के बाद जो निकलता है लाइन कंडेंसर, ओके, इसके बाद जो इधर निकला EXV एक्सपेंशन वाल्व, अब इसके बाद जो लाइन निकला इवापोरेटर, फिर इसके बाद यहाँ पर आ गया, ये डिस्चार्ज लाइन उसको बोलते हैं, ये SL लाइन बोलते हैं, ये LL लाइन बोलते हैं, ये यहीं से नज़दीक पूरा इवापोरेटर लाइन में इधर आ जाता है। तो आपको तो फिर अभी मैं इस पर एक मेरा फुल वीडियो बनाया हुआ है प्रोसेस, आपको भी सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बता दिया कि आप पूछ सकते हैं, मोस्टली ये सब क्वेश्चन पूछता है। मेक द चिल्ड वाटर सिस्टम, मैं चिल्ड वाटर सिस्टम में अभी बाद में बताएगा मैं बना करके। सेकेंडरी पंप का क्या काम है,
ठीक है, प्राइमरी पंप का क्या काम है, तो सेकेंडरी पंप के बारे में पूछ सकता है, प्राइमरी पंप के बारे में आपसे पूछ सकता है अगर आप चीलर का देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो सेकेंडरी पंप का क्या काम है। ये खास करके नॉर्मली प्राइमरी पंप तो आपको लगा रहेगा, प्राइमरी पंप जो है पानी को एचयू से रिसीव करके और ये चीलर में अपना सेंड करता है, भेजता है। ठीक है, अब उसके बाद चीलर में जाने के बाद चीलर से जो पानी आउट होता है वो सेकेंडरी पंप में जाता है, सेकेंडरी पंप से एचयू में ट्रांसफर होता है। ठीक है, वो ज़्यादा एरिया है इसके लेकर के आपको सेकेंडरी पंप लगाया जाता है। कहीं कहीं आपको ये नहीं भी मिलेगा, सिर्फ एक ही पंप मिलेगा जो चीलर में सप्लाई करेगा और एचयू में जाएगा, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और हाई कैपेसिटी के लिए सेकेंडरी पंप इस्तेमाल होता है। सेफ्टी डिवाइस के बारे में बताइए, सेफ्टी डिवाइस कौन कौन है, तो आप सेफ्टी डिवाइस हमारा ये HP सेफ्टी डिवाइस है, LP सेफ्टी डिवाइस है, OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर, ये सब सेफ्टी डिवाइस में आता है, समझ गए। सेकेंड फुल फॉर्म ऑफ HU एंड FCU, तो एयर हैंडलिंग यूनिट होता है HU का फुल फॉर्म, FCU का फुल फॉर्म फैन कॉइल यूनिट। कॉमन डिफेक्ट ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर में कॉमन डिफेक्ट क्या क्या हो सकता है आपसे वो पूछ देगा क्लाइंट, तो आपको बताने का है क्या क्या हो सकता है। नॉर्मली कंप्रेसर ज़्यादा हीट होकर ट्रिप होता है, ठीक है, और उसका क्रैंक शाफ्ट जा सकता है और कंप्रेसर में लिक्विड जा सकता है, ये कॉमन डिफेक्ट है। ठीक है, अभी इसके भी एक पूरा फुल वीडियो है मेरे चैनल में, आप लोग देखें, लगभग लगभग इस सब टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया है 8-10 मिनट का, वो आपको अगर अच्छा से फुल नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, तो वो सब डाला हुआ है। फिर सेकेंड है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर, तो आपको सिंपली बोलना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर, दो तरह के कूलिंग टावर होते हैं, एक नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है, एक मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अब उसके अंदर भी बहुत सारे आते हैं, मैकेनिकल के अंदर भी अपना दो आते हैं कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फोर्स्ड ड्राफ्ट, तो इसके लिए भी एक पूरा वीडियो है प्रॉपर, क्योंकि ये सब लंबा एक चैप्टर का सब्जेक्ट है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हो गया आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। फुल फॉर्म ऑफ BTU, तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म, ओके। और रेफ्रिजरेशन सिस्टम को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में मेजर किया जाता है BTU में, ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में हीट रिमूव करता है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। कॉमन डिफेक्ट ऑफ कंडेंसर, ठीक है ना, कॉमन डिफेक्ट ऑफ कंडेंसर, तो अपना कॉमन डिफेक्ट ऑफ कंडेंसर में क्या आ जाएगा, नॉन कंडेंसेबल, फैन टूट जाएगा, फिर फैन का रोटेशन चेंज हो जाएगा, इस तरह से कॉमन डिफेक्ट आएगा। फुल फॉर्म ऑफ PPM एंड व्हाट अबाउट PPM, PPM के बारे में कुछ बताइए या PPM का फुल फॉर्म बताइए, तो प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है PPM का फुल फॉर्म, ठीक है। अब इसके बारे में अगर पूछ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि सर यूनिट के ऊपर डिपेंड है, कौन सी यूनिट को किसी यूनिट का मंथली PPM होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, ईयरली होता है, ठीक है, तो आप इतना बताएंगे तो समझ जाएगा। अब PPM पे भी एक मेरा फुल वीडियो है कि चीलर का, कंडेंसर पंप का, सेकेंडरी पंप का, प्राइमरी पंप का एक वीडियो में बनाया हुआ हूँ, उसका रीडिंग विथ रीडिंग के साथ क्या क्या आपका PPM में आता है लॉकशीट, वो भी आप देख लीजिएगा। हाउ मच वैक्यूम इन सिस्टम, सिस्टम में वैक्यूम कितना करेंगे, मान लीजिए गैस चार्ज करने के लिए, तो -30 inches करते हैं वैक्यूम जो है अभी। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर माइक्रोन में पूछ दिया तो आपको बोलने का कि अगर 500 माइक्रोन अगर सिस्टम के अंदर है तो हम गैस चार्ज कर सकते हैं, वरना 0% माइक्रोन में करने का है। अभी देखिए नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ है, मेक दी चिल्ड वाटर सिस्टम, मैं वो बनाता हूँ आपको। तो अभी मैंने बोला मेक दी चिल्ड वाटर सिस्टम बनाने की, तो चिल्ड वाटर सिस्टम बना दिए, देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका चिलर, ठीक है, इसमें पानी इन कर रहा है, वो यहाँ पे प्राइमरी पंप है, प्राइमरी पंप इसमें पानी को ट्रांसफर कर रहा है, फिर इसके बाद ट्यूब रहता है, सेल एंड ट्यूब टाइप मेरा चिलर है, इसके अंदर से पानी रिटर्न हो करके इधर अपना बाहर जा रहा है, आउट कर रहा है कूलिंग करते हुए, इसके बाद पानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर 7 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ठीक है, कूलिंग किया, ये आउट किया, आउट करके ये सेकेंडरी पंप में गया, सेकेंडरी पंप जो है यहाँ पे HU में भेजा, अब HU से फिर निकलेगा, यहाँ पे HU से निकल करके प्राइमरी पंप में आता है, तो HU के बाद यहाँ पर एक कंट्रोल वाल्व लगाया रहता है, इसको स्टेफा वाल्व भी बोलते हैं, स्टेफा वाल्व, ठीक है, इसको कंट्रोल वाल्व बोले चाहे स्टेफा वाल्व बोलिए कोई मुश्किल नहीं है।
ये किस लिए, अगर मान लीजिए हमारा रूम का टेम्परेचर आ गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसका पानी का लाइन को ब्लॉक कर देगा, जिसके चलते आपका रूम बाद में हीट होएगा। इस पर भी एक वीडियो है फुल, आप देखिएगा। तो ये हमारा एफिशिएंट चिल्ड वाटर सिस्टम साइकिल हो गया। यहाँ पर एक्सपेंशन टैंक है, पानी घटेगा तो यहाँ से एक्सपेंशन टैंक के जरिए इस पंप लाइन में यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये हमारा चिल्ड वाटर लाइन साइकिल हो गया। तो अभी क्या है, अभी आपने देखा इतना सारा क्वेश्चन। अब इसमें और सारा क्वेश्चन अभी आपको इंक्लूड हो सकता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और दूसरा वीडियो में भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी मेरा वीडियो बहुत सारा टॉपिक पर बनाया हुआ है, वो भी आप देखिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन मोस्टली इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर गैस के बारे में पूछ सकता है, गैस कैसे चार्ज करेंगे, कौन सा लाइन से चार्ज करेंगे, तो सक्शन लाइन से गैस चार्ज करते हैं, ठीक है। आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल का लाइन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह का आप तैयारी करके अपने आप को जाएं। ज़्यादातर आप जैसे जो काम किए हुए हैं ना, उस फील्ड के बारे में पूछेगा, आपने क्या क्या काम अभी तक किया। तो कंप्रेसर वायरिंग किया, एचयू का बैरिंग चेंज किया, ठीक है, अदरवाइज गैस चार्ज किया, वैक्यूम किया, जो भी आप काम किए हुए हैं उस काम रिलेटेड आपको बताना है। ये तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इसको मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन जो काम है वो आपको बताने का। और एक चीज़ और, काम आप चाहे जितना भी किए हो उससे मतलब नहीं है, बाहर में वो सब मैनेज हो जाता है आने के बाद, ठीक है। थोड़ा टाइम मिलता है आपको, 3 महीना 4 महीना आपको अंडर में रखता है सीनियर टेक्नीशियन के अंदर में काम समझने के लिए, तो वो आपको कवर अप करने का है। तो इस तरह से आपको माइंड में रखने का है कभी भी, तो इसलिए घबराने का नहीं है। जो भी है उसके सामने पूरा बोल देने का कि हाँ हमने ये किया वो किया, जैसा भी हो, कम किए चाहे ज़्यादा किए, बोल देने का उसके सामने। और बाकी अपना जो भी है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। बाकी अभी कुछ वीडियो इसमें का पोस्ट नहीं किया हूँ, वो भी जल्दी ही आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। साइक्रोमीटर के बारे में पूछ सकता है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है जो, लेकिन मिनिमम ज़्यादातर मैंने जो क्वेश्चन बताया इस तरह का ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो फिर अपना ख्याल रखिए।